यहाँ पर जो यहाँ की सरकार चाहेगी वही इस राज्य पे लागू होगा, गवर्नर जो चाहेगा वो नहीं। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, वहां पर राज्यपाल के माध्यम से उन सरकारों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो कितना दिन तक हम लोगों को बोका बुझेगा है? चिंता मत करो, यही बोका लोग अब तुम लोगों को इतना ठोकेगा कि जीवन में फिर राजनीति करना नहीं सकते। भक्ति से खतियान वाले लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, बाहर के लोगों को नौकरी चाहिए। सोनखंडी, लखनडी, सलगाडी, बुरुडी, हाथीटाड़, बानुडी, ये सब कोई जगह है क्या? नुआ को जाएगा मिना अनुरे, आज जाके पता कर लो वहां पर पारा शिक्षक लोग कहां से आया है, सब बाहर से आकर के वहां नौकरी कर रहा। क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट क्या राज्य सरकार बनाया था? क्या सिद्धू कानू बनाया था? क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट क्या बिरसा मुंडा बनाया? नहीं, इन लोगों ने भारत सरकार को, देश की सरकार को अपने आंदोलन से, अपनी आवाज से मजबूर किया अपने लिए कानून बनाने के लिए। हम भी वही आंदोलन करेंगे इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों के अधिकार। और कभी कभी कुछ लोग आज भी जो सदियों से यहां पर सक्रिय रहे हैं, वो लोग एन के एन प्रकार यहां के झारखंडियों को डराने धमकाने का प्रयास करता है। बहुत यहां बड़े पैमाने पर पत्रकार मित्र लोग खड़े हैं, अभी बाहर निकलेंगे तो तुरंत माइक मुंह में ठूस देगा, बोलेगा कि 1932 का खतियान का विषय राज्यपाल महोदय ने सरकार को वापस कर दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार के सोच के विपरीत इस राज का ही महामहिम जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। इस देश में कई ऐसे राज हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, वहां पर राज्यपाल के माध्यम से उन सरकारों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं अपने विपक्षियों को कि ये दिल्ली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अंडमान निकोबार नहीं है, ये झारखंड है। और ये झारखंड, और झारखंड में अभी जो सरकार है वर्तमान, यहां के मूलवासी आदिवासियों को ने चुन कर बैठाया है। यहां पर जो यहां की सरकार चाहेगी वही इस राज्य पे लागू होगा, गवर्नर जो चाहेगा वो नहीं होगा। अभी तो कागज हमारे हाथ में नहीं आया है, अखबार के माध्यम से खबर आया है। अगर वो चाहते हैं कि जिस संवैधानिक पद का कसम खा करके राज्यपाल महोदय यहां बैठे हैं, उस कसम का धज्जी उड़ेगा, ऐसा होगा नहीं और हम लोग होने भी नहीं देंगे, चिंता मत। अभी इस राज का बागडोर यहां के मूलवासी आदिवासियों के हाथ में। ये लोग बोलता है जो हम लोगों ने कानून बनाया वो असंवैधानिक है, नियम संगत नहीं है, अजीब हालत। मतलब यहां के 3.25 करोड़ लोगों ने जो सरकार बनाया है, ये लोग सब बोका लोग हैं क्या जी? हैं? ये लोग कितना दिन तक हम लोगों को बोका बुझेगा है? चिंता मत करो, यही बोका लोग अब तुम लोगों को इतना ठोकेगा कि जीवन में फिर राजनीति करना नहीं सकते। जब राज अलग करने का लोग बात करता था, हमारे आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, चंपई सोरेन जी, अनेक लोग यहां पर उपस्थित हैं,
पेट में गमछा बांध बांध करके जब आंदोलन होता था उस समय भी इस राज्य को अलग करने का आंदोलन को ही लोग असंवैधानिक बोलता था। उस समय आंदोलनकारियों को आतंकवादी कहा जाता था, उग्रवादी कहा जाता था, नक्सलवादी कहा जाता था। और उस आंदोलन में तो आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को देखो और गोली मार दो का अभी आदेश हो गया था। यहां तक लोग जाते हैं। आदिवासी दलित शोषित पीड़ित जब जब आवाज उठाएगा तो पेट में तो इन लोग को दर्द होगा ही। और इस अभी तो जिस तरीके से आवाज उठ रही है उसमें पेट तो दर्द होगा ही, पेट झड़ी भी साथ में इन लोग का हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। असंवैधानिक बोलते हैं, विवादास्पद बोलते हैं, वाह अजीब बात है। ऐसा विषय सरकार को नहीं लाना चाहिए जिससे विवाद पैदा हो। मतलब जो शोषक लोग हैं उस विवाद को रोकने के लिए शोषक तत्व का जिम्मेवारी है क्या? आज आदिवासियों को, यहां के मूलवासियों को, यहां के खतियानधारी लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देना क्या संवैधानिक बात है? क्या जी यहां के आदिवासी मूलवासियों को नौकरी देने का बात गलत है क्या? इसको बोलता है लोग असंवैधानिक है। ये होगा, अभी ये शुरू हुआ है। हम लोगों को लड़ाई थोड़ा ज्यादा दिन तक हम लोग का चलता है, हम लोग बस कई चीजों की कमी है, लेकिन चिंता नहीं है। हम लोगों ने हर जंग जीता है और ये जंग भी हम लोग आने वाला समय में जीतेंगे। हम आपको अजीब हालत है, 32 खतियान वाले लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, बाहर के लोगों को नौकरी चाहिए। अभी हमको कुछ जानकारी मिला है, हम तो मुझे क्या पता था कि ऐसा खबर भी छप जाएगा यहां आते आते। तो हम चलते चलते कुछ जानकारी लिए, यही हमारा सरायकेला खरसवां, ये सोनखंडी कोई गांव है क्या सरायकेला खरसवां में? सोनखंडी, लखंडी, सलगाडी, बुरुडी, हाथीटाड़, बानुडी, ये सब कोई जगह है क्या जी? नुआ को जाएगा मिना अनुरे आज जाके पता कर लो वहां पर पारा शिक्षक लोग कहां से आया है। सब बाहर से आकर के वहां नौकरी कर रहा, और यही हमारा विपक्ष जिनका पेट में दर्द हो रहा है यही लोग उन लोगों को भर्ती कराया। और यहां होना चाहिए था हमारे बाल बच्चों का। जब हम उनका बाहर का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको असंवैधानिक लग रहा। कौन सा राज्य में अपने राज्य के लोगों के लिए कानून नहीं बना नौकरी के लिए, जरा हमको बता दे। राज्यपाल महोदय ने यह भी लिखना चाहिए था कि इस राज्य में ये कानून नहीं बना, उस राज्य में वो कानून नहीं बना। अभी तो देखेंगे वो कागज भी कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने क्या सरकार को जवाब भेजा है। हम कहां कहते हैं कि यह राज्य सरकार के पास अधिकार है? क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट क्या राज्य सरकार बनाया था? क्या सिद्धू कानून बनाया था? क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट क्या बिरसा मुंडा बनाया? नहीं, इन लोगों ने भारत सरकार को, देश की सरकार को अपने आंदोलन से, अपनी आवाज से मजबूर किया अपने लिए कानून बनाने के लिए। हम भी वही आंदोलन करेंगे इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों के अधिकार। हमने तो यही कहा कानून बनाओ। हमारी राज्य की 3.25 करोड़ जनता कहती है यहां के स्थानीयता के लोगों को नौकरी पर पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए।
इसके लिए भारत सरकार कानून में मोहर लगाए, जिसका अधिकार वो लेके बैठा है। कुछ चीजें हमारे हिस्से में, कुछ चीजें भारत सरकार के हिस्से में। राज्य सरकार जब अलग राज्य बना तो क्या झारखंड सरकार बनाया कि बिहार सरकार बनाया? ये तो आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के आंदोलन का ताकत, इसकी आवाज और हमारा ढोल नगाड़ा मांगर की आवाज जो सरकार में, दिल्ली में बैठे सरकार के कान में जो बजा कि अब कोई उपाय नहीं है राज को अलग किए बिना, तब मजबूर होकर इन लोगों ने राज बनाया। ये राज हम लोगों को छीन कर मिला है, कोई मांगने से नहीं मिला है, तो इसीलिए अपना अधिकार भी हमें छीनना पड़ेगा।